सभी को सुप्रभात। मैं शिष्पाल में बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काव्य प्रथम इकाई के अंतर्गत। हमारा एक लघु काव्य चल रहा है जगदीश गुप्त का संभोग, जो जगदीश गुप्त द्वारा लिखा हुआ एक लघु काव्य है। और इसमें हम सर्ग पढ़े थे। सर्गों की बात करें तो हम छिन्न छिन्न और आत्म पढ़ते। आज हम लोग पढ़ रहे हैं आत्म पढ़ते। आत्म पढ़ते कल हमने जाना, जहाँ हमने छोड़ा उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे आत्म कथ्य। आत्म कथ्य में देखें आत्म कथ्य और इससे पहले छिन्न शीश में पहले छिन्न शीश से बात कर लेते हैं थोड़ी। छिन्न शीश भोगते हो जहाँ सब अपने किए का ही भोगते हो, जहाँ सब अपने किए का ही सदा अच्छा बुरा करना एक शुभ कर्म क्यों बद बने फिर दूसरे मार्ग का। हे राम शूद्र तब से विप्रो बालक मर गया यह कल्पना की बात, और शूद्र बद से विप्रो बालक खड़ा हुआ यह कल्पना की बात। शंभू को श्री राम का वार्तालाप चल रही है। इसमें शंभू कहता है कि यहाँ जब प्राणी आए हैं इस संसार में, यहाँ सब भूमि पुत्र है, यहाँ अपने अपने कर्म के हिसाब से फल भोग रहे हैं। तो कहते हैं मेरे को आप देखो कि शूद्र व्यक्ति तप कर रहा है, उद से ब्रह्म का बेटा अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, क्या संबंध है वर्ण विविधता का इसमें क्या संबंध है। और कहते हैं अगर शूद्र वध से विप्र बालक जीत उठा यह कल्पना की बात, अगर मेरा वध हो जाए कर दिया और उदय से आपका बालक ब्रह्म का बालक उठ खड़ा हो तो ये कल्पना से परे की बात हो जाएगी। राम को कहते हैं तो क्या कहते हैं किस तरह सोचा गया, किस तरह माना गया है, किस तरह समझा गया है, किस तरह जाना गया है कि सम्मुख के वध से विप्र का बालक ब्रह्म का बालक जीवित हो जाएगा, किस तरह माना गया है, किस तरह सोचा गया और किस तरह माना गया और किस तरह समझा गया कि और जाना गया। आगे कहते हैं करे कोई प्रसन्न तो संतोष देगा कौन। कहते हैं कि आपसे ऐसा प्रसन्न करेगा आने वाले मानव पीढ़ी तो आप उसको उत्तर दे पाओगे। फिर कहते हैं मरी संस्कृति सदा प्रहरी रहा मौन, ऐसी संस्कृति मृत के समान है, इनके पेरे देने वाले वो सब मौन है। माता ईसा नहीं मानव का न्याय है, ऐसा और उपाय लट गए हैं खुद विधान सिंह जिनको हो किए का भान, व्यक्ति अपने अहित का विचार करे। देखो यहाँ पर संभोग बता रहे हैं, श्री राम की चर्चा हो रही है, संभोग बताते हैं कि ब्राह्मण का बेटा अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ और इधर आप मेरा वध किया है, ये बड़े अचरज की बात है, आने वाली पीढ़ी आपसे प्रश्न करेगी, पूछेगी कि आपने मेरा वध करने के बाद भी उनका बालक कैसा जीवित हुआ। तो क्या कहते हैं आगे देखो कि राम को तुम्हारा राज्य कविजनों को होगा राज्य, आप आना वाला समय आपके आश्रय दाता रहेंगे जो कविजन उनके लिए भी ये राज्य फिर राज्य होगा। आगे देखो कि क्या है शूद्र तब से पुत्र ब्राह्मण का मरा क्यों स्वीकार ऐसा धरा, क्यों करे सत्कर्म का फल नष्ट हो, जाति कोई किसी की श्रेष्ठ हो, शूद्र का तप शूद्र को फलवान हो, साधक जो भी करे बलवान हो। यहाँ महत्वपूर्ण बात कही संभोग ने कहा है कि अगर शूद्र तप कर रहा है तो उसका तप प्रफुल्लित हो, अगर वर्ण व्यवस्था के यहाँ कोई भेद नहीं है, वैसे क्षत्रिय ब्राह्मण के कर्म भी उचित अनुचित धर्म और अधर्म भी एक व्यापक नियम के बंध हो और सब के सब निर्मण हो, तपे जीवन साधना में सवर्ण हो। फिर आगामी पंक्ति में बताया है कि मनुष्य प्रसन्नता के भाव से ऊपर उठे। देखो कल्पना की बात है, एक जो शूद्र मुनि है वो राम को यहाँ प्रवचन दे रहा है।
क्या कह रहा है कि मनुष्य पशुता भाव से ऊपर उठे, मनुष्य के अंदर जो पशुता के जो भाव है अवशेष बचे हुए हैं, हम नाखून काट लेते हैं, फिर नाखून हमारे वापस आ जाते हैं, जो अंत्यकरण के जो नाखून की वृद्धि आगामी हमारी बढ़ती जा रही है उसका नाश हो। तो कहते हैं ज्योतिक राज्य से वो उठे अंतरिक्षता के सहज गतिमान हो, मानसिक संकल्प उनका ज्ञान हो, इस प्रकार का व्यक्तित्व हमारा होना चाहिए। बुद्धि से पीछे छिपे नख दंत जो घात का उनका किसी अंत हो, हमारे अंदर जो इस प्रकार के नख अंदर विराजमान है, ऊपर से उज्जवल है, उनका नाश हो, फिर मनुष्य मनुष्य कहलाने के काबिल है। ये यहाँ छिन्न के अंतर्गत बताए कि क्या बताए, मैं दहा का पुत्र हूँ। देखो संभोग ने कहा मैं दहा का पुत्र हूँ, मैं दहा का पुत्र हूँ, इनकी जब जन्म लिया इस दहा को सभी ने जन्म लिया, इसलिए हम सभी भूमि पुत्र हुए। मैं दहा का पुत्र हूँ, ब्रह्म के अवतार, ब्रह्म के अवतार एक खाई। कहते मैं तो इस भूमि पुत्र हूँ, आप ब्रह्म के अवतार है। ये बीज की जो खाई है, ये बीज की जो खाई है, ये बड़ी दुर्बार है। शीश मेरा कर चुकी हो देश से विचिन, करो निष्ठा को ने चेतना से भिन्न, किंतु प्रार्थना कुछ क्यों करूँ मैं राम, तुम भूप हो तुम मर्म हो क्या काम। कहते हैं मैं आपसे क्या प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप अवतारी पुरुष हो, आप मेरी बात को अच्छी तरह से जानती हो, मेरे मर्म को आप जानते हो। तो क्या कहते हैं, लो खड़क अपना तीक्ष्ण धार रख से करती रही स्नान बारंबार, आप अपने हाथ में जो खड़क धारण कर रखी है, तलवार धारण कर रखी है, ये सूत्रों पर बार बार प्रहार करेगी और उसके रक्त से तिलक होगा। काट दो संकल्प का सिर, उठो यदि सहज क्रम से मत, अन्यथा लो मान वध नीति कायता तुम्हारी बिल्कुल व्यर्थ। कहते आपकी वध नीति जो अपनाई है इस कुल में रघुकुल में, वो बड़ी ही क्या है, कायरतापूर्ण है, बिल्कुल व्यर्थ है। राम लेकर खड़क मुनि वध को चले तो क्या हुआ, दबी पशुता ने पकड़ पंजे बढ़ा देवता के तन को छुआ। जैसे ही राम आगे बढ़े हैं अपनी तलवार को लेकर, तो कहते हैं दबी पशुता ने पखर पंजे बढ़ा, तो अंदर की पशुता के भाव थे वो जागृत हो गए। किसी की बलि से किसी की प्राण रक्षा, अदता से युक्ति यह दामित व्यवस्था, क्यों करे विश्वास इस व्यक्ति कोई, करे संलग्न इसे भक्ति कोई, नहीं इससे मृत का गौरव बढ़ेगा, विस्मृता की ओर गौरव बढ़ेगा। इससे जो ऐसा वध हुआ है, इस वध से क्या होगा कि मनुष्य मनुष्य के बीच में खाइयाँ बढ़ जाएगी। और हम अब आगे देखो आत्म तथ्य में क्या छिन्न चीज हमारा हम वो अदाकर पढ़ा दिया था, अब चले आगे कि मैं था एक मिट्टी का जिंदा लटा, मैं था एक मिट्टी का जिंदा लटा। आप संगोप अपने आप को उपमा देते हुए कहते हैं कि मैं इस प्रकार से था, इस धरा पे एक मिट्टी का जिंदा गड़ा था। कहते हैं मिट्टी का जिंदा गड़ा किसी की लोहे एक चोट से तोड़ा गया, वो गड़ा था, इस जो वातावरण था, ये यहाँ खाइयाँ थी वर्ण व्यवस्था की, उनके प्रहार से मेरे को बार बार तोड़ा गया, बार बार मैं यात्रा झेलता रहा इस वर्ण व्यवस्था की खाई से। कहते फिर चिपके से गली के अंधेरे कोने में टोट में रखा गया, जिस प्रकार से कोई जादू टोना करते हैं तो एक गड़े में कुछ वस्तु रख कर एक ठिकाने रख दिया जाता है, इस प्रकार से मेरी दशा थी कि मैं तो एक जिंदा जड़ा था और फिर अंधेरी गली के अंदर से मेरे को कहीं रख दिया गया, और मेरे पे चोट लगी है, लोहे के प्रहार हुए हैं, वो वर्ण व्यवस्था के हुए हैं, उसमें से बूंद बूंद बहता रहा, जब ही आदमी का खून था उस घड़े में क्या भरा हुआ था कि मैं आप ही हो जिंदा था, उसमें उसमें जो टपक रही थी वो मेरी बूंदे रक्त की बूंदे थी। तो कहते हैं ठीक रे उठाए उन्हें दिल पड़ा, मैं था मिट्टी का जिंदा घड़ा। कहते हैं मेरी ठीक रे हो गई इंतजार, मैं टूट चुका था, जैसे ही जो लोहे के प्रहार हुआ, ये वर्ण व्यवस्था का प्रहार हुआ, मैं ठीकरे में था। तो कहते हैं देखा जब लोहू का लाल सा बड़ा थक्का, मन उसमें लगा अचानक लगा, जिसने भी ऐसा देखा जादू टोना किया हुआ घड़ा, सभी के मन में बड़ा ही एक धक्का लगा है, पर ऐसा नहीं कि बोलते जाते न्यास आहत के साथ पास से निकल जाते सारे और कोई भी इससे पूछता नहीं। देखो कैसे प्रतीक के माध्यम से यहाँ संभव बता रहे हैं।
घातक के स्वार्थ के उनके हाथ बंधे हाथ जो भी मेरे पास से निकलते थे वो वर्ण व्यवस्था में जकड़े हुए बंधे हुए थे, कैसे उठाते वे आतकी हाथों पर अस्त्र शस्त्र, कैसे कर पाते थे उनकी करने विवस्त। जो मेरे साथ निकलते थे मेरे ही जो वर्ण व्यवस्था के थे वो उनका प्रतिशोध भी नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि उनमें वो सहन शक्ति नहीं थी वो कि पूंजीपतियों का कोई सामना कर सके। तो बेहतर कहीं ना कहीं उन्हें लगता रहा मेरा अपमान सही, चोट पर चोट पड़ी, मेरा तोड़ा जाना उनको भी नहीं खला, वे क्यों फंसाते अपना मेरा फंसा मेरा गला। निकले वध नीति के पक्ष में ऐसे दर्शन सारे बेचारे, मेरे कलेजे के टुकड़े ही बस मेरे साथ रहे। जो मेरे कलेजे के टुकड़े थे मेरे साथी थे वही मेरे साथ रहे, सभी ने वर्ण व्यवस्था के कारण साथ छोड़ दिया है। काले रक्त से सने मेरी मृत्यु के प्रमाण बने, जहाँ मैं तोड़ा गया दुनिया ने रहने दिया मुझको वहीं पड़ा। जहाँ मेरे को एक बेटी का गड़ा था जिसको जहाँ तोड़ा गया वहाँ से मेरे को समेटा नहीं गया और वहीं पड़ा रहा। मैं हूँ अब मिट्टी का एक मुर्दा घड़ा, मुझे लगता है कि मेरी दोनों आँखें कई गुना बड़ी होकर धरती में गड़ गई। मिट्टी में विराजमान मैं था मिट्टी के घड़े में, अब मेरी जो अंतर की दृष्टि है वो दृष्टि पूर्व व्याप्त हो चुकी है, उस धरा के अंदर घट चुकी है। तो कहते हैं दोनों पुतलियाँ भी नहीं हिले डुले, सिर्फ देखती है आबाद कितना आसकी है कि पलकों में बाहर जाते ही। कहते मैं दृष्टि से देखता हूँ कि वर्ण व्यवस्था का प्रभाव मेरे पे किस प्रकार से हुआ है। मेरी दृष्टि सर्वव्यापी हो गई, मुझे सब लगने लगे ऋषि और व्याल। अब देखो कितनी यहाँ महत्वपूर्ण बात की, ये मैं गढ़ा था मेरे को इतना गढ़े के बाद से था, तो मेरी अंतर्दृष्टि मेरी खुली है तो मेरे को सब दृष्टि से दिखाई देने लगे। मेरे अंदर के भाव एक समानता से होंगे, वर्ण व्यवस्था से मैं ऊपर उठ चुका था, यानी कि मैं अवतार अवतारी रूप बन चुका था। संभव की समझा रहे हैं श्री राम, देखो एक अवतारी पुरुष को एक सुंदर व्यक्ति यानी कि सुंदर मुनि समझा रहे हैं कि मैं एक नीति का गढ़ा था। तो क्या बताए, जड़ता की सीमा में मुक्ति की ऐसी विडम्बना भरी अनुभूति, कितने लघु गीत मेरी देह पर रेग रेग रचते वाल्मीकि ने, लगता मुझे बस जैसे दूसरा वाल्मीकि। मैं इस प्रकार से मन का घड़े जिंदा घड़ा था कि मेरी प्रतिक्रिया रहती थी जिस प्रकार से वाल्मीकि के शरीर प्रतिक्रिया रहती थी, मैं दूसरा वाल्मीकि बन चुका था। अब अनुभव की अपनी निहिलता में मरा ही मैं जानता, अपने अंतर्मन में त्राता घटघटवासी अविनाशी राम हो कहाँ पहचानता। कहते मैं नहीं पहचान पाता था, मेरी दृष्टि से सारे समान थे मेरे सब, और जंगल उग आया मेरे रों रों जैसे देने लगा साखे, जो कभी नहीं उपजा वह आग उग रहा है धरती के नीचे से उतरा। नील पक्षी आकाश का जैसे प्रदीप्त जाने चू रहा, क्या बताया कि जिस प्रकार से पक्षी घोंसले में विराजमान होता है और अचानक हवा का धोखा आता है, पक्षी नवजात शिशु जैसे अवस्था में अगर कंकरीली जगह गिर जाता है तो तड़पता है एक बार, फिर अपने आप को संभालता हुआ अपने पंखों में जान भरता हुआ उड़ जाता है। इसी प्रकार समाज की ठोकरों से मैं आगे निकला, मैं भी उस कंक्रीट पत्थरों में इस पक्षी की भांति लड़खड़ाया और आगे निकलने की चेष्टा की। तो क्या कहते हैं, सुंदर हूँ मैं मानव समाज में, मेरा अस्तित्व बहुत अलग है, इस समाज में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि मेरे जाति से मैं क्या हूँ, सुंदर हूँ। फिर भी जाने को मेरे मन में युग युग से परिभाषित व्यक्ति के चरित्र को मानव विषय को नए संदर्भों में जाने समझने का उपजा संकल्प, मैं अब जिंदा गढ़ा था। मेरे हालांकि मेरे को पता था कि समाज में मेरा कोई दर्जा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक विषम बंधुत्व की भावना जागी। मैं इस सृष्टि को एक आलिंगन में बाहों में भरना चाहता था, लेकिन ये समाज को मानने कहाँ था। कहते वर्षों तक कितना सोचा कितना समझाया अपने को, फिर भी कब भूल सका, उल्टी आंखें देखे समता के सपने। मैंने अपने आप को बहुत समझाया कि ये जो समाज है ये वर्ण व्यवस्था में जकड़ा हुआ है, तेरा यहाँ औचित्य नहीं है। फिर भी मेरी अंतर्मुखी जो आँखें थी जो समता के दृष्टि से देखना चाहती थी वो कब मानने वाली थी, है होगी और तोड़ दो साखे मुझ में देन के से फोड़ दूँ आँखें, मेरे अंदर की आँखों को मैं किस प्रकार से फोड़ दूँ जो मेरे को नए नए सपने से जाती है। कहते घोंसले से नीचा गिरा रोएदार रोदे सा चिड़िया सा बच्चा, एक जाने कितने स्तरों से
पढ़ने लगी शक्ति का पंख खोल। और आगे बताए, नाचता है गाता है रंग रूप में होकर जीता है सिवे देता दूसरे को जीने की प्रेरणा। मैंने आपको बताया जिस प्रकार से पक्षी घोंसले से गिर जाता है और गिरने के बाद भी किस प्रकार से छटपटाता है, लेकिन जो अपने रास्ते में आई बालकों को पा सकता हुआ मंदिर को प्राप्त करता है। इस प्रकार से मेरे मन में ऐसा विचार होगा। तो कहते हैं लेकिन जो बुद्धि लेकिन भेद बुद्धि मान्य प्रमाणित है पूज्य है मानव समाज में सदा मेरे आड़े आई। कहते हैं मुझसे बुद्धि ने राज किया है और वो बुद्धि मेरे आगे आड़े आई है। तो क्या कहते हैं ऊपर उठ सकने के मेरे संकल्प पर करती बार बार तीखे प्रहार पर मैंने उसके आगे मानी नहीं हार। बचपन से यौवन तक रहे ऋषि काटते। कहते हैं कि जीवन भर मेरे को प्रताप नहीं प्रताप न मिली। ऋषि जनों के शरण में गया तो उन्होंने मेरे को लातों से प्रहार किया। मेरे को समाज में कहीं ठिकाना नहीं मिला तो अपने आत्मकथ्य के अंतर्गत बता रहे और मैं तक उन्हें पद चल रहा है। तो क्या कहते हैं यद्यपि ये सब के सब सागपात मेरा सेवा स्वीकारते। कहते हैं मैं जंगल से सागपात लाता और बना के उनको देता। ऋषि मुनियों को प्रसाद के रूप में देता वो स्वीकार बड़े हर्ष के साथ कर लेते। तो कहते सब के आश्रम की धरती को झाड़ते उभारते जहाँ जिस आश्रम में वो ऋषि मुनि रहते थे मैं उन आश्रम की सफाई करता और उनके लिए साग पत्ते सब्जी ला के देता। कभी कभी जब उससे पाल उपदेशों से होकर त्याग तो भूले हाथ छूने को बढ़ाता मैं बेटी से सदे हुए पाँव कहकर एक्सप्रेस मुझे देते बाहर निकाल। मैं उनके प्रवचनों से निहाल हो जाता कई बार सुनते सुनते तो मैं ऐसा चाहता कि मैं उनके चरणों को स्पर्श करूं लेकिन वो मेरे को नीचता यानी कि जाति विशेष के कारण मेरे को पास में नहीं फटकने देते। तो क्या कहते हैं और कभी जब मैं उनके जैसा आसन लगाता मुझसे अधिकार ही कहकर दिखाते मेरे अंदर ये विचार आता कि मैं भी ऋषि मुनि के बांधे बैठूं सियासत पे। लेकिन क्या कहते हैं कि वो मेरे को फिर दिखाते क्योंकि मेरे को वो पद प्राप्त करने के लिए वर्ण व्यवस्था ने जकड़ा था। तो क्या कहते हैं कुछ थे दुर्वासा से बढ़कर जब जहाँ भी देख पाते मुझको डंडे से मारते जटा पकड़ कर आँखें अंगारे बरसाते। ऋषि मुनि जहाँ मेरे को बैठा देख लेते तो आँखों में उनके अंगारे बरसते क्रोधित होते मेरे को पीटते और जटा पकड़ कर मेरे को घसीटते। तो कहते अस्तित्व की रक्षा में कभी खो देता मैं भी संतुलन मैं खो देता कि चलो उन्होंने मेरे को पीटा है। तब मुझ पर सामूहिक रीति से मिलकर ऋषि लोग ऐथक करते पाल रहा। जब सभी ऋषि मुनि मिलकर मेरे को अपने पैरों से कुचलते तो क्या कहते हैं जैसे मैं पैर उनके पैर मेरे ऊपर प्रहार होता मैं आनंदित होता। देखो उधर वो प्रहार कर रहे हैं अपने दांतों से और इधर सबको कहते हैं मैं बड़ा ही आनंदित होता। क्यों होता कि खाता जब लात मुझे मिलता सुख महत्वपूर्ण पंक्तियाँ यह जब खाता मैं उनकी लात मुझे मिलता सुख ऋषि मुनियों की लात में खाता तो मैं बड़ा सुख मिलता। हालांकि उनकी लात मारने का आशय यहाँ वो तो दुत्कार रहे हैं और ये अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा है कि ऋषि मुनि ने मेरे को स्पर्श तो किया। तो कहते क्रोध में या बलबल आवेश में कैसा भी सही पर उसके सामने छूने लायक तो हो गया। जिस तैसे ऋषि मुनि ने मेरे को छू तो लिया अपने आप को भाग्यशाली समझा कि ऋषि मुनियों ने मेरे को छुआ है। वे समझते थे कि मुझको पराजित देखकर अहमानुष दंड किंतु मैं होता गया ऐसा विषम गुहार से कुछ उद्दंड। कहते हैं वो तो ऐसा सोच रहे थे कि हमने उनको क्या किया है पराजित कर दिया लेकिन मैं अंदर ही अंदर खुश हुआ। जहाँ नम्रता है देवता है भक्ति वही है यही संदेश दिया है। अगर मान लो अंदर अहंकार है तो ऋषि मुनि कहलाने के काबिल नहीं है। तो यहाँ अहंकार नहीं लाते खा ली अपने आप को धन्य समझा ऊंचे पानी ने टिके नीचे ही ठहराए नीचा और सो बदपरी ऊपर कैसा जाए। पानी नीचे टिकता है ऊपर नहीं टिकता जिसके अंदर अहंकार है परमात्मा आ ही नहीं सकता। और समूह कैसी बातें कर रहे हैं तो रामचंद्र जी के समूह से बाहर है। देखो तो क्या कहते हैं समझते थे किसी प्राचीन थे उन्होंने अमानुष दंड किंतु में होता गया इस विषम व्यवहार से उद्दंड। मनोरम के शाप से त्रस्त हो मेरे सगे संबंधियों ने मुझको त्याग
त्याग दिया। सभी मेरे जो रिश्तेदार पोती नाती थे उन्होंने देखा कि ऋषि मुनियों ने समुख को क्या दीजा श्राप देती है, इसलिए मेरे को उन्होंने भी त्याग दिया। मैं एकांत में जलता रहा वर्षों जलाकर आग, मैं तो घर जाने के काबिल था क्योंकि उन्होंने त्याग ही दिया था। मैं एकांत में बैठा हुआ आग जलाकर बैठ गया और क्या कहते हैं, वर्षों जलाकर आग भूलूंगा अगर मैं। एक मुनि की बात चित्त मेरा पौधा करेगा दिन रात, वहाँ बैठा हुआ एक मुनि की बात याद आ रही है, ऋषि मुनि की बात आ रही है याद। तो कहते हैं थी उन्हें क्रोधनियों से एक ही जलधार, मुझे स्थिरता मिलती सहज आभार। वो ऋषि मुनि एक ऋषि मुनि की मानता का वर्णन करते हुए यहाँ कवि कह रहे हैं, शंभू जी कह रहे हैं, एक ऋषि वहाँ था, जब वो बोलता तो शीतलता निकलती थी, दूसरे ऋषि मुनियों की तो अग्नि निकलती थी, एक की बात कह रही है। कहते हैं ऋषिवर एक थे अति शांत करुणाशील, कृपा समुंदर पूजते थे नित्य निष्ठा सहित, सूचि निर्माण लेकर लोक रोहिंद गुजर। कहते हैं तो ऋषि मुनि था, वो शिव का भगत था, मैं उनके पास बैठता और उनकी बातें सुनता जो मेरे को शीतलता प्रदान करती, इस प्रकार से बताया। और अचानक क्या हुआ कि ऋषि मुनि के पास बैठा था और अचानक जंगल में डाकू आए और डाकू आने से उस ऋषि मुनि पर प्रहार किया गया और मेरे पर प्रहार करके मेरे को बांध दिया गया, जंगल में बांध दिया गया, उदोमुखी बांध दिया गया, लटका दिया गया और नीचे से अग्नि जला दी गई, नीचे से अग्नि जला दी गई और मैं वहां लटकता रहा। क्या बताए, दस्युओं ने एक दिन आकर किया मुझ पर कुठारा घात, शक्ति पर लाचार मैंने किया प्रतिघात। थोड़ी देर के लिए तो मैंने उनका सामना किया, शत्रुओं से जो डाकू आए थे देखे मैं भी, क्या एक था मैं, वो बहुत थे, मैं तो एक ही था, वो बहुत ज़्यादा थे। इसी साकार ने दिया मुझको बांध, एक लंबा सा पेड़ दे के मेरे को उस पर बांध दिया गया और पास में सुलभ नीचे जला दिया, पास में कचरा खूब पड़ा था और उन्होंने आग जला दी। आग जलाने से क्या हुआ कि और तब मैं इसी कातर दशा से हो रहा हूँ छीन। कहते हैं आप मेरे को यहाँ मारने के लिए, वध करने के लिए आए थे, मेरे को तो मैं तप नहीं कर रहा था, मैं तो डाकू के द्वारा बांधा हुआ और उदोमुखी था, नीचे आग जल रही थी और इस प्रकार से कातर दृष्टि से मैं तो इस सृष्टि को निहार रहा था कि मेरी दशा ये हुई है। लोग आज्ञा था जन जने धुर से किंतु फिर भी बढ़ते हुए केस मेरे शीश नीचे था, नीचे से अग्नि जल्दी रहती थी, मेरे केस जल जाते फिर नए केस आ जाते, आगे से आगे बढ़ते जाते, इस तरह हो गया मुनिवर वेश, इसलिए मेरा तो वेश था मुनियों की भांति जगाधारी बन गया। तो कहते हैं दर्शन को लोग आते साथ में फल फूल लाते, आग बुझती देख इंद्र दुरा फिर जलाते। कितने में यहाँ दृढ़ता की बात भी देखो कि दर्शन करने के लोगों में दर्शन करने की लालसा जागी, मेरे दर्शन करने के लिए आते और जब वो देखते कि नीचे अग्नि बुझी हुई है, वो अग्नि नीचे जला देते और चले जाते और मेरी जो दीनता थी, मेरी जो तड़प थी, मैं तो वैसे ही बंधा हुआ था, मैं कौन सी तपस्या वहाँ कर रहा था, मेरे को तो वहाँ वन के डाकू के द्वारा बांधा गया था, लेकिन लोगों में ये प्रचलन हो गया कि ये तपस्या कर रहे हैं तो मुख्य होकर, तो लोग आते और बुझती हुई आग को भी वो दोबारा जला देती। अब देखो नीचे आग जल रही तो वो लटका हुआ, कितनी पीड़ा होती होगी उसको, ये अपने आत्मकथा के अंदर कहते हैं। क्या कहते हैं, राम मुझको मिल नहीं पाया कभी सम्मान, पूज्य होने की पुलक से जिंदगी भर रहा अनजान, कि इस संसार में मेरे को कभी मान सम्मान नहीं मिला। देखो मेरे वहाँ डा इनको जो भी थे वन में आए और वन मिले, उनसे भी ये मान सम्मान नहीं मिल पाया, उनको ठोकरे मिली और जो समाज के जो लोग आते और वो भी उनको नीचे अग्नि जला के चले जाते, वो तो अनजान थे बेचारे, उनको तो क्या पता था। तो यहाँ तक आज हमने चर्चा की है, आगामी वीडियो में ही हम इसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इसको जो करवाया है उसको अच्छी तरह से आप समझो और समझो आपके पास होनी चाहिए, तभी आपकी अच्छी तरह से समझ में आएगी, क्योंकि वर्णन यहाँ जहाँ पढ़कर लिखना असंभव है, जो आपको समझाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से समझे। धन्यवाद।